सो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माई चैनल गाइस। तो यार आज हम लोग बात करने वाले हैं मेंटेनेंस के बारे में कि 100cc और 125cc मतलब इनको ऑलमोस्ट कितना मेंटेनेंस आ सकता है। तुम्हें ईयरली पकड़ के चलो यार, ओवरऑल साल भर में कितना मेंटेनेंस आता है। तो पहले तो मैं अपनी बाइक में क्या क्या मतलब मैंने जो शुरुआत से अभी तक क्या क्या पार्ट्स चेंज किए, क्या क्या रिप्लेस किया है उसके बारे में बताने वाला हूँ कि तुम लोगों को भी आइडिया आ जाएगा कि क्या क्या चेंज करना पड़ता है। तो मैंने तो बाइक ली थी 2019 में और उसके बाद फिर मैंने अभी तो है 2024, तो मुझे ऑलमोस्ट 5 साल हो गए। तो पहले 2019 में मैंने आखिर में ली थी, तो वो साल तो काउंट ही नहीं होता कुछ। उसके बाद के 2 साल लॉकडाउन में चले गए और बाकी के फिर 2022 बचे अपने 2022 और 2024। तो ये 2 साल में मैंने अपनी मैक्सिमम गाड़ी का यूज़ किया है। पर ये 2 साल में मैंने जो जो चीज़ें रिप्लेस की बाइक की, तो वो पहले मैं बता देता हूँ तुम लोगों को। तो यार पहले बात करते हम लोग टायर्स की। तो यार टायर्स तो मेरे पूरे मतलब स्टॉक ही है, मतलब स्टॉक मतलब जो मुझे कंपनी से आए थे वो ही है, वो उसमें मैंने कुछ चेंज वगैरह नहीं किया। हाँ मैंने एक बार अपना पीछे वाला ट्यूब चेंज किया है क्योंकि वो फट गया था। क्या पता कैसे फटा था, कुछ आइडिया नहीं मुझे, पर वो फट गया था, इसे जल्दी जल्दी फट गया था। क्या पता ट्यूब की क्वालिटी अच्छी नहीं थी क्या क्या, तो वो एक मैंने चेंज किया था। बाकी ब्रेक पैड्स वगैरह मेरा ज़्यादा कुछ वेयर आउट नहीं हुए थे, आगे का तो मैंने अभी तक चेंज नहीं किया। पीछे वाला एक बार चेंज किया था मैंने सिर्फ, वो अपने अपने ऊपर रहता है कि कौन कितना ब्रेक यूज करता है। मोस्टली मैं तो पीछे वाला ब्रेक यूज़ करता हूँ, सामने वाला यूज़ नहीं करता ज़्यादा। और मैं इंजन ब्रेकिंग पे ज़्यादा ध्यान देता हूँ क्योंकि ये गाड़ी थोड़े ब्रेक्स है ना मतलब अच्छे नहीं है मेरे हिसाब से, वो एक बहुत बड़ा इशू है ये बाइक का। तो वो ब्रेक्स का तो हो गया, बाकी मेरे गाड़ी का एक प्रॉब्लम आया था हेडलाइट का, क्योंकि ये अंदर का जो सामने का जो छोटा बल्ब है ना अपना, तो ये बल्ब साला मेरा 3-4 बार शॉर्ट हुआ था। कैसे हुआ क्या पता, वो नहीं पता मुझे, पर हुआ तो था 4-5 बार। वो एक मेरा रिप्लेस हुआ था, उसके बाद मेरा उसके बाद तो कुछ नहीं हुआ था। उसके बाद तो फिर अपना सर्विसिंग के टाइम पे अपना सिर्फ ऑयल चेंज करता किया था मैंने कितने बार, ऑलमोस्ट ये 2 सालों में मैंने कम से कम 4 बार, 3 से 4 बार ऑयल चेंज किया होगा मैक्स टू मैक्स, इससे ज़्यादा नहीं, और कम से कम 6 बार सर्विसिंग की होंगी मैंने। यही है ज़्यादा कुछ इतना, फिर ऐसे तो मतलब अप्रोक्स ज़्यादा कुछ खर्चा तो आने नहीं वाला तुम्हें ये बाइक्स के ऊपर, क्योंकि यार ये बाइक्स बनी इसके लिए क्योंकि लो मेंटेनेंस मतलब कहा ही जाता है इसको ऐसे ही। तो यार ये तो हो गई बात अपने इसकी, तो बात है पैसों के ऊपर। तो देखो सर्विसिंग का एक टाइम का चार्ज मेरे यहाँ पे लेते हैं 250, वो वॉशिंग के साथ, और अगर तुम ऑयल वगैरह डालते हो तो फिर ऑयल वगैरह के एक्स्ट्रा चार्जेस रहते हैं, वो तुम्हारे ऊपर है तुम ऑयल कौन सा डालते हो। 350 का आती है एक बॉटल उसकी, तो वो मैं डालता हूँ। तो अभी तुम पकड़ लो 6 बार मैं सर्विसिंग कराता हूँ, मतलब की है मैंने ये 2 सालों में, तो सर्विसिंग के मेरे कितने हो गए अप्रोक्स 1200 मेरे इसके ये हो गए सर्विसिंग के हो गए, और उसके ऊपर मैंने पकड़ लिए अपने ऑयल के, तो ऑयल के 350 का ऑयल है, तो मैंने 4 बार चेंज किया है ऑयल, तो 350, 600, 1200, 1300, 1350 का ऑयल हो गया मेरा, तो ऑलमोस्ट ये 1350 और सर्विसिंग के 1200, 1250, तो तुम टोटल 2500 पकड़ सकते हो ये ऑयल और सर्विसिंग दोनों को मिला के। और देखो ब्रेक पैड्स और ब्रेक पैड, तो देखो ब्रेक पैड तुम चेंज, अभी ये तुम्हारे ऊपर है तुम बाइक कैसे यूज़ करते हो। अगर ज़्यादा हार्श यूज़ करते होंगे तो यार ऑब्वियसली तुम्हारे ब्रेक पैड जल्दी वेयर आउट होने वाले हैं, तो वो भी एक एक पकड़ लेते, एक एक पेयर, एक पीछे का पेयर एक आगे का पेयर, तो अप्रॉक्स वो 300-300 के रहेंगे, तो वो 600 अपने हुए 2500, तो उसमें 600 मिला दो वो हो गए 3100। हाँ तो ये हो गया। और एक मेजर मेरा प्रॉब्लम आया था बैटरी का, क्योंकि अभी भी मेरी बैटरी पूरी डेड हो रखी है,
तो मैं जस्ट किक पे गाड़ी चलाता हूँ मेरी, क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं पड़ रही अभी इतनी सेल्फ स्टार्ट वगैरह की, और मेरे पास अभी थोड़ा और चीज़ों के ऊपर मुझे पैसे इन्वेस्ट करने हैं, तो मैं इस पे इसके लिए मैं बैटरी पे इन्वेस्ट नहीं कर रहा अभी, तो वो भी एक मेन चीज़ है। पर देखो यार, वो कैसी है, वो है ना, तुम एनुअली बदल, मतलब वो एक चीज़ ऐसी है कि जो तुम्हें एनुअली बदलने की ज़रूरत नहीं, जैसे कि टायर्स हो गए, ये अपना क्या बोलते हैं इसको, एयर फिल्टर हो गया, वो है ना इतने एनुअली मतलब ज़रूरत नहीं पड़ती चेंज करने की, उसको तुम 2 साल में 3 साल में चेंज कर सकते हो। एयर फिल्टर की बात नहीं कर रहा मैं, एयर फिल्टर का भी तुम्हारे यूज के ऊपर है, और तुम जैसे एरिया में रहते हो उसके ऊपर है कि कितनी धूल जमती है उसके अंदर क्या है, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है वो। तो यार अगर मेरा पकड़ लिए तो मेरा बैटरी भी मतलब काउंट होती है उसमें, ये 2 साल में तो अप्रोक्स बैटरी कितने 1,500 की आएंगी, 1,500-2,000 की, मुझे एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता, तो अपने पहले 31,000 और ये 2,000 पकड़ लेते हैं तो 5,100, तो अप्रोक्स ये सारी चीज़ें मुझे खर्चा लगा है। और सामने का हेडलाइट का मैं भूल गया, तो वो 200-300 रुपये एक्स्ट्रा पकड़ लेते हैं हम लोग, तो कितने होते हैं ऑलमोस्ट 5,500 रुपये मुझे ये 2 साल कह सकते हो, या तुम पूरे मतलब मुझे 5 साल का मिला के ओवरऑल खर्चा मुझे 5,500 रुपये आया, क्योंकि पहले सर्विसिंग फ्री थी मेरी और पहले ऑयल भी चेंज किया होगा, तो वो 5,500 के अंदर, मतलब वो मेरा मतलब ओवरऑल 5,500 के अंदर हो गया मेरा सब कुछ। अब आते हैं कि जनरली हम लोगों को कितना मतलब लगेगा ईयरली मेंटेनेंस के लिए। तो यार देखो, अभी मैं तो मेरी गाड़ी का तो मैंने बता दिया कि इतना इतना है, मुझे 5 साल में 5,500 का खर्चा आया इसके ऊपर मेंटेनेंस के लिए, तो अप्रोक्सीमेटली हम लोग अगर पर ईयर भी पकड़ लेते तो मुझे 1,000-1,200 के ऊपर तो नहीं आया, तो चलो कंसीडर वो अलग चीज़ है। अभी हम लोग इन जनरल बात करते हैं। तो यार देखो, एक गाड़ी को हर 3 महीने में सर्विसिंग कराना पड़ता है, 3 या 4 महीने में, तो हम लोग 4 पकड़ लेते हैं, तो 4 महीने में एक बार सर्विसिंग कर रहे हैं, तो 1 साल में हम लोग 3 बार सर्विसिंग कराएंगे, तो उसमें से हम लोगों को हर 6 महीने बाद एक बार ऑयल चेंज कराने की ज़रूरत पड़ती है। वो भी कैसे, अगर तुम वैसे मतलब तुम्हारा बहुत रफ़ यूज़ है तो वो कंसीडर करके मैं बोल रहा हूँ, नहीं तो वो ऑयल चेंज करने का ड्यूरेशन चेंज भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है, वो गाड़ी चलाने के ऊपर है पूरा, तो वो भी एक है। तो हम लोग 2 बार ऑयल चेंज करने का पकड़ लेते हैं, तो 2 बार ऑयल चेंज और 3 बार सर्विस अपनी, तो ऑयल का हो गया अपना 700 रुपये और सर्विसिंग का हो गया अपना 650-700 रुपये, तो टोटल हो गया अपने 1,450-1,450 अप्रोक्स 1,500 पकड़ लेते हैं हम लोग। और बाकी का जो खर्चा है, वो जो टायर वगैरह, वो तो एनुअल खर्चा में बिल्कुल काउंट नहीं होगा, वो तुम्हें हर 2-3 साल में एक बार चेंज करना पड़ता है, तो बस यही है। और ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है कि तुम्हें एयर फिल्टर वगैरह चेंज करना पड़े, तो उसकी ज़्यादा प्राइस नहीं है, वो भी मतलब 200-300-400 तक आ जाएगा। और ब्रेक पैड की बात कर रहे हो, तो ब्रेक पैड का एक एक पेयर हम लोग पकड़ लेते हैं, तो वो 300-300 तो 600, तो ऑलमोस्ट 1,500 + 600 2,000-2,500 मोटा खर्चा, 2,500 रुपये तुम पकड़ लो, 1 साल में तुम्हें 2,500 रुपये लगने वाले हैं तुम्हारे बाइक पर मेंटेनेंस के लिए, अगर तुम्हारे पास 100cc है या 125cc है। वो बाइक टू बाइक चेंज होता है और कंपनी टू कंपनी वेरी करता है वो, पर इन जनरल मैं बात कर रहा हूँ, तो 2,500 तक तुम लोगों का हो जाएगा सब कुछ। और अगर तुम लोगों के भी मन में कुछ क्वेश्चंस है अपने 100cc या 125cc बाइक को लेके, तो तुम लोग भी मुझे पूछ सकते हो, हो सके मेरा ओपिनियन मैं तुम लोगों से शेयर करूँगा, अगर मुझे कुछ पता नहीं होगा तो मैं थोड़ी रिसर्च वगैरह करके भी तुम लोगों से शेयर कर लूँगा। तो अगर तुम्हारे पास भी कुछ क्वेश्चंस होंगे तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन बाय बाय, कीप वॉचिंग माई चैनल, थैंक यू।